आज हमें टेस्ट करब Realme 12 Pro Plus चार्जिंग स्पीड टेस्ट। ये फोन जीरो थे 100% चार्ज करते कत टाइम लागे और ये चार्जार्ट से 67 वाटर इनबक्स चार्जार्ट से दिए टेस्ट करब। देखो हमें अन्य यूट्यूबर मत क्योंकि टेस्ट करब ना, एखे सीम दिए रेगुलर एक मानुष जब भी यूज करे से भावे क्योंकि टेस्ट करब। देखे अन्य यूट्यूबर क्योंकि फ्लाइट मोड ऑन कर सीम छाड़ा क्योंकि टेस्टगुलो करे जानने चार्जिंग टाइम एकटू डिफारेंस थे, तो हमें क्योंकि सीम दिए एक रेगुलर मानुष जब भी यूज करे से भावे क्योंकि टेस्टा करब। तो चलो स्टार्ट कर देखी ये फोनटा जीरो थेके 100% चार्ज कतटा टाइम नेय। फोनटार चार्ज किन्तु एकदम ही नहीं, फोन एकदम ड्राई हो गए। देखो 8 सेकेंड हो गए तबुओ किन्तु अन होच्छे ना, एटा मोटामुटी 15 सेकेंडेर पर गिए अन होबे एकदम ड्राई बैटारी थाकले। देखो फाइनली किन्तु आमार एटा अन हलो, एकदम जिरो छिलो ओई फोनटाते चार्ज। तो एबार 1% स्टार्ट होबे जस्ट 20 सेकेंड हो कतटा टाइम नहीं जस्ट आमरा देखे नेब। ये फोन चार्जे दिए 12:21 और यार चार्ज छिल 1%। एखे देख 57 सेकेंड हो गए, तो एबार देखे नेब जे कतटा टाइम नेय। 5 मिनट पर यह फोन चार्ज एसे दाड़ी से 10%, 3 मिनट कमप्लीट हार पर यह फोन चार्ज एसे दाड़ी से 26%, 25 मिनट चार्ज कमप्लीट हार पर यह फोनटार चार्ज एसे दाड़ी से 42%। देखो हमें क्योंकि आगे ही हमें फोन क्योंकि इंटरनेट यूज कर ही चार्जे बसिए दिए, मैंने एक रेगुलर मानुष जब भी यूज करे से भावे क्योंकि फोन चार्जे बसिए दिए। 35 मिनट मैंने 35 मिनट कमप्लीट हार पर यह फोन चार्ज एसे दाड़ी से 59%, अलमोस्ट 60% क्योंकि चार्ज हो गए 35 मिनटे। 40 मिनट कमप्लीट हार पर यह फोन चार्ज एसे दाड़ी से 76%। देखो ये फोन क्योंकि अनेकक्षण जब चार्ज हो, तब यह फोन क्योंकि हिटिंग जेनारेट कर एक फोन जो चार्जे बसाना जो हिट जेनारेट है से अनेक कम ही कर, कारण यटार मध्य कुलिंग चेम्बर रही है जो अतटा हिट जेनारेट क्योंकि फोन करा। तो देखे नब लास्ट पर्त एर ओवर हिटेड है कि ना। पंचान्न मिनट कमप्लीट हार पर हमारे फोन चार्ज देखा 93%। देखो हमारे फोन क्योंकि समस्त एप बैकग्राउंड चलते एकदम रेगुलर मानुषर मत क्योंकि फोन के चार्जे बसिए दिए। এটা অলমোস্ট 64 মিনিটের মধ্যে আমার ফোনটাকে ফুল চার্জ করে দিয়েছে। তবে একটা জিনিস আপনাদের বলি, এটা যদি আমি ফ্লাইট মোড অন করে রাখতাম বা সিম খুলে রাখতাম তখন কিন্তু এটা চার্জ আরও অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যেত, অ্যাপ্রক্স 48-50 মিনিটের মধ্যে কিন্তু আমার ফুল চার্জ কমপ্লিট হয়ে যেত। তবে আমি যেহেতু একজন রেগুলারের মতো ইউজ করেছি সেহেতু কিন্তু আমার এই ফোনটা একটু জাস্ট চার্জিংয়ের টাইম নিয়েছে, বাট এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল আর রিয়েল টাইম। আর এই চার্জারটা কিন্তু অতটা হিটিং হয়নি যতটা অন্যান্য ফাস্ট চার্জিং করে, কারণ এটার মধ্যে সুপার ভুক টেকনোলজি রয়েছে যেখানে অনেক গুলো লেয়ার রয়েছে। তো ওভারঅলি আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাতে বলবেন না। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দেবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।